तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो गेजेटेड ऑफिसर्स का डेटा है, जो ऑनलाइन परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जो है ऑनलाइन हो गई है, तो उसको अप्राइजल रिपोर्ट बनाने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, jksparo.jk.gov, वहाँ पे लॉग इन कैसे करते हैं और हमारा जो सेल्फ अप्राइजल है वो हम कैसे देखेंगे और उसको कैसे हम फॉरवर्ड करेंगे तो रिपोर्टिंग ऑफिसर, उसमें हमें क्या चेंज होंगे, हम ये वाला एड्रेस जो यहाँ पे है ये डाल के jksparo.jk.gov.in https वाला इसमें हमें देना पड़ेगा डोमेन, तब जाके हम इस पे लॉगिन कर पाते हैं। तो ये लॉगिन करने के बाद हमें रीडायरेक्ट होता है सीधे परिचय पे। परिचय पे हम अपनी डिटेल्स डालते हैं, तो अपनी डिटेल्स डालने के बाद हमें एक ओटीपी आता है ताकि हम इसको एथेंटिकेट करें कि ये जो यूजर है जेन्युइन यूजर है, तो उस पे ओटीपी आता है, तो ओटीपी देने के बाद हम खुद को एथेंटिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हम ओटीपी जब एथेंटिकेट करेंगे तो हमारा जो है परिचय में नहीं हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, तो यहाँ पे जो है हमें है जो जो ही हम ओटीपी देते हैं, अपने आप को ऑथेंटिकेट करते हैं थ्रू ओटीपी, तो वो जो है हमारा जो पार है जो भी रिफ्लेक्ट हुआ है, हमारी जो हमने डिटेल शेयर की है, जो हमारा मतलब डेटाबेस है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के साथ, वो जो पार जब जनरेट करते हैं या ब्लैंक एपीआर रोल आउट करते हैं तो वो दिखता है। यहाँ पे हमें एक पेंडिंग पार दिखा रहा है, तो पार को देखने के लिए हमें रीडायरेक्ट किया जाएगा जो जेएनके की वेबसाइट है वहां पे, तो यहाँ पे हमें रीडायरेक्ट होके ये वाली स्क्रीन मिलती है। तो यहाँ पे जो है आपका कैडर दिखता है, एपीआर किस कैडर का है, ये जम्मू जनरल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जिस भी हम गेस्टेड ऑफिसर का जो डिपार्टमेंट होगा उसी हिसाब से उसका आप कैडर और यहाँ पे डिपार्टमेंट दिखेगा। तो यहाँ पे जो है अभी ये वाला पार जो है वर्किंग कंडीशन में है, तो ये वाला पार जनरेट हो गया है। फ्रॉम कहाँ से हुआ है ये, तो ये अभी जाना है तो किसने जनरेट किया है यहाँ से आपको दिखता है। तो हर एक एम्प्लॉय के डिजिग्नेटेड ये जो पार जनरेटर हैं गेजेटेड ऑफिसर्स को वो लिस्ट दी गई है कि किसका पार कौन जनरेट करता है, कौन इसका पार मैनेजर है और ये कस्टोडियन कौन है इसका, वो सारा ऑलरेडी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वो अपने हिसाब से अपने एम्प्लॉई देख सकते हैं। तो उसी तरीके से जब अपना पार देखते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके हमारा जो पार है वो दिखता है। तो पार दिखेगा तो जितने भी पार आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होंगे जनरेट हुए होंगे वो आप सारे यहाँ पे देख सकते हैं। तो कैडर देखना होगा, बाकी चीजें आप इनबॉक्स से भी ये चीज जो आपके पार में आई होंगी आप अपना पार जो है इनबॉक्स से भी निकाल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपकी जो डैशबोर्ड है स्पैरो जे के जो परफॉर्मेंस अप्रेजल पोर्टल है वो सारी बाय डिफॉल्ट आपके स्क्रीन पे ही दिखती है, जो आपका लैंड करते हैं लैंडिंग पेज पे ही दिखती है। तो ये है कि हम कैसे अपने पार को देख सकते हैं। उसके बाद जो हमें अंदर इसकी डिटेल्स मिलती हैं, जैसे जो यहाँ पे ब्लू जो कलर का ये एपीआर मिलता है हमें परफॉर्मर अप्राइजर रिपोर्ट ऑनलाइन जो है पोर्टल, इस पे आप अपने टारगेट्स देखते हो, अचीवमेंट्स देखते हो और बाकी आपने कितने दिन काम किया है, बाहर गए हैं, इस हिसाब जो भी आपका वर्क है आप एक बार इसको इसका प्रिंट मतलब ड्राफ्ट सेव करते हैं। जैसे जो ही आप कुछ लिखेंगे यहाँ पे तो वो डाउनलोड होता है ड्राफ्ट, जो आप यहाँ पे जो भी कुछ लिखोगे उसका प्रिंट आउट लेके आप पहले आप लिख लीजिए जो भी आपकी अचीवमेंट्स है, फिर यहाँ पे आके आप एक बार उसको यहाँ पे ड्राफ्ट बनाए, फिर भी ऑटोमेटिकली जितने बार आप मतलब 1 मिनट के लिए काम करिए ऑटोमेटिकली सेव होता जाता है और आप खुद भी यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट वो चीज कर सकते हो। तो ये आपने ये डिटेल्स अगर आप उसके बाद भी कुछ
टारगेट अचीवमेंट्स में जैसे हमने कुछ ऐड करना है वो यहाँ पे हम ऐड करते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा जो सेल्फ अप्राइजल है जो ही हम भरते हैं, आप उसकी पीडीएफ भी चढ़ा सकते हैं, बट जरूरी नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज ऑनलाइन, आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर ही असेस करेगा आपका जो ये है पार जो आप बनाओगे, वो देखेंगे कि आपने जो दिया है क्या वो सही है नहीं है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, आपको पीडीएफ चूज करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे जो है अब जो ही आप इसमें सारी डिटेल्स भरेंगे, फिर डाउनलोड करके प्रिंट करना है, फिर उसको आप वापस चढ़ा सकते हो, उसके बाद आप रिपोर्टिंग अथॉरिटी को ये फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड होने के बाद आपका जो है रिपोर्टिंग ऑफिसर जो अथॉरिटी है वो उसका रिव्यू करते हैं, उसी हिसाब से आगे फिर ये जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उसको फॉरवर्ड किया जाता है। तो आपकी जो भी स्टेटस होगी पार की वो आप यहाँ पे बाहर जो आपका लैंडिंग पेज है जो ही आप स्पैरो जेके पे आएंगे परिचय के थ्रू, तो आपको वो यहाँ पे दिखता है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखती हैं। तो यहाँ पे हमें ये डिटेल्स जो है सारी अवेलेबल होती है, और करंट ये किस स्टेज है, अभी ये अभी जिसको ऑफिसर को रिपोर्टेड अपॉन है मतलब जिस ऑफिसर को भेजना है उससे पहले वाला स्टेज दिखाते हैं, ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन जो जिसको रिपोर्ट करना है, जैसे जो मतलब एम्प्लॉय या गेस्ट ऑफिसर जो उसको रिपोर्ट जिसको करना है जिसकी मतलब रिपोर्टिंग होनी है उसके अगेन अब उसके पास ये पड़ा हुआ है एपीआर, तो इसको आप एक बार देख लीजिए। तो आई होप द वीडियो विल हेल्प ऑल द गेस्ट ऑफिसर्स देयर। थैंक यू वेरी मच।